यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया नगेट्स तैयार हुए हैं। पिज्जा फ्लेवर के ये पिज्जा नगेट्स बनाने में बहुत ही आसान है और आप घर पे इसको बहुत ही आसानी से बना पाओगे और आपके भी ये फेवरेट हो जाएंगे। पिज्जा सॉस और चीज के साथ बना हुआ ये नगेट्स आपके बच्चों के भी फेवरेट बन जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो मीडियम साइज के आलू ले लिए थे, उसको मैंने उबाल लिया था और उसके बाद उसको कद्दूकस कर लिया है। अभी हम इसमें कैप्सिकम डालेंगे, तो मैंने यहाँ पे आधा कैप्सिकम लिया था जिसको मैंने फाइनली चॉप करके रखा है। आप चाहो तो तीनों कलर की कैप्सिकम भी ले सकते हो। उसके बाद हम इसमें उबले हुए स्वीट कॉर्न डालेंगे जो है करीबन 3 टेबल स्पून जितने। साथ ही में हम इसमें प्याज डाल देंगे जिसको भी मैंने फाइनली चॉप करके रखा है, तो यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून जितने प्याज ले रहा हूँ। अभी हम इसमें हरी मिर्च की पेस्ट डाल देंगे 1/4 टीस्पून जितनी। उसके बाद हम इसमें 1/4 टीस्पून जितना ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे। साथ ही में हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जितना चिली फ्लेक्स। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जितना ओरेगानो। आप यहाँ पे मिक्स हर्ब्स भी ले सकते हो या तो फिर जो पिज्जा सीजनिंग आता है वो भी यहाँ पे आप डाल सकते हो, उससे भी ये बहुत ही बढ़िया बनेंगे। अभी हम इसमें नमक डाल देंगे, नमक हम स्वाद अनुसार लेंगे। अगर आपके पास फ्रेश बेजिल हो तो भी आप इसको चॉप करके यहाँ पे डाल सकते हो। ये जो नगेट्स है वो बहुत ही फटाफट बन जाएंगे और बहुत ही आसान है बनाने में। इसे आप बना के स्टोर भी कर सकते हो। अभी सारी चीजों को हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें ब्रेड क्रम्स डालेंगे, तो यहाँ पे मैंने फ्रेश ब्रेड क्रम्स लिया है। तो यहाँ मैंने 2 से 3 ब्रेड की स्लाइस ले ली थी और उसको मिक्सर में चला लिया था। तो ब्रेड क्रम्स की जो क्वांटिटी है वो आपके जो आलू में जितना मॉइस्चर है उस पर वो थोड़ा डिपेंड करेगी। तो अगर आपके आलू में ज़्यादा मॉइस्चर है तो आप थोड़ा ब्रेड क्रम्स ज़्यादा डालिए, अगर उसमें कम मॉइस्चर है तो आपको थोड़ा कम लगेगा। अभी सारी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप इसमें सोजी भी डाल सकते हो, तो वो करीबन आपको 3 से 4 टेबल स्पून जितना सोजी लग जाएगा। सारी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी हम इसमें से नगेट्स बना लेंगे। तो सबसे पहले हम एक नींबू के साइज का बॉल बना लेंगे और उसके बाद हम इसको हाथों से थोड़ा दबाएंगे और बीच में हम थोड़ी जगह बना लेंगे। अभी हम बीच में थोड़ा पिज्जा सॉस डाल देंगे, तो यहाँ पे करीबन 1/2 टीस्पून जितना पिज्जा सॉस लूंगा जिसको मैं बहुत ही अच्छे से लगा लूंगा। और सेंटर में हम एक चीज का टुकड़ा रख देंगे, तो यहाँ पे मैं प्रोसेस चीज ले रहा हूँ, लेकिन आप चाहो तो मोजरेला चीज भी ले सकते हो। अभी इसको बहुत ही अच्छे से सील कर देंगे। तो यहाँ पे मैं सिलेंडर शेप में नगेट्स बना रहा हूँ, आप अपनी पसंद अनुसार कोई भी शेप में नगेट्स बना सकते हो। उसको बहुत ही अच्छे से सील कर देंगे। बस इसी प्रकार हम सारे नगेट्स तैयार कर लेंगे और उसके बाद हम इसको अच्छे से कोटिंग देंगे। तो पहले हम सारे नगेट्स इसी प्रकार से तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे जो आउटर लेयर है उसको कवर करने के लिए मैं फ्रेश ब्रेड क्रम्स ले रहा हूँ, लेकिन आप चाहो तो ड्राई ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हो, सोजी भी ले सकते हो या फिर आप पोहे भी ले सकते हो। और इसके अंदर भी हमने बाइंडिंग के लिए थोड़े फ्रेश ब्रेड क्रम्स डाला है, उससे इसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आएगा। अभी ये जो नगेट्स है हम उसको बहुत ही अच्छे से कोट करेंगे कॉर्नफ्लोर की स्लरी और ब्रेड क्रम्स के साथ। तो यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर की स्लरी बना ली थी जिसमें मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया था और उसमें 4 से 5 टेबल स्पून जितना हमें पानी चाहिए। ये बहुत ही पतली स्लरी बनानी है, उसको अच्छे से हम ये स्लरी में डिप करेंगे और उसके बाद फ्रेश ब्रेड क्रम्स लेना है और उसको बहुत ही अच्छे से कोट कर लेना है। ऐसा करने से ये बहुत ही क्रिस्प बनेंगे।
और इसको बहुत ही ज्यादा क्रिस्प बनाने के लिए हम इसको दो बार कोटिंग करेंगे। तो पहली बार कोटिंग हो गया, उसके बाद हम इसको फिर से जो कॉर्नफ्लोर की स्लरी है उसमें डिप करेंगे और साथ ही में ब्रेड क्रम्स में डुबा कर उसको बहुत ही अच्छे से हम शेप दे देंगे और ब्रेड क्रम्स को भी बहुत ही अच्छे से लगा लेंगे। तो इसी प्रकार हम सारे तैयार कर लेंगे। आप भी डबल कोटिंग जरूर कीजिएगा, तभी ये बहुत ही बढ़िया बनेंगे। नगेट्स है, आप उसको स्टोर भी कर सकते हो, आप उसको एक दो महीने के लिए स्टोर कर सकते हो। स्टोर करने के लिए आपको डबल कोटिंग कर देना है, वहीं तक की प्रोसेस आपको कर देनी है। उसके बाद एक जिप लॉक ले लीजिए, उसके अंदर वो डाल दीजिए और उसके बाद फ्रीजर में उसको रख दीजिए। जब भी आपको खाना है आपको पहले ऑयल गर्म कर लेना है, उसके बाद जो आपने जिप लॉक की उसको बाहर निकाल के तुरंत उसको फ्राई करना है। बाहर निकालने के बाद उसको आपको बहुत ज्यादा बाहर नहीं रखना है और फ्राई करके आपका जब भी मन करे आप उसको खा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने तेल को बहुत ही अच्छे से गर्म कर लिया है, तो इसमें हम नगेट्स फ्राई कर लेंगे। तो नगेट्स को हम गर्म तेल में डालते जाएंगे और उसको हाई फ्लेम पे ही हम इसको पकाएंगे। हमें सिर्फ इसका जो आउटर कवर है उसको क्रिस्प करना है, बाकी सारी चीज जो इसमें हमने ली थी वो पकी हुई है। तो सारे नगेट्स को मैंने इसमें डाल दिया है और उसको हाई फ्लेम पे बहुत ही अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। तो ये फ्राई होने में करीबन 3 से 4 मिनट जितना ही लगेंगे। नगेट्स डालने के बाद आपको तुरंत ही उसको जरा से आपको पलटाना नहीं है, आप थोड़ी देर बाद एक चम्मच की मदद से उसको घुमाते जाइए ताकि वो सारी ओर से बहुत ही अच्छे से कलर भी उसका आ जाए और अच्छे से पक भी जाए। तो यहाँ पे नगेट्स तैयार है, आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया नगेट्स बने हैं और ये दो हमने दो कवर किए थे इसमें, तो बहुत ही क्रिस्प बनेंगे। तो नगेट्स को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अभी ये जो नगेट्स है उसको हम चीज सॉस के साथ कोट करेंगे। ये ऑप्शनल स्टेप है, लेकिन अगर आप ऐसे सर्व करोगे तो ये बहुत ही बढ़िया लगेंगे। तो मैंने यहाँ पे चीज सॉस ले लिया है, आप चाहो तो मेयोनीज भी ले सकते हो या चीज स्प्रेड भी ले सकते हो। अभी चीज सॉस में हम इसको हाफ डिप करेंगे और उसमें उसको प्लेट में रखते जाएंगे। तो सारे नगेट्स को हम इसी प्रकार चीज सॉस के साथ कोट कर लेंगे। तो यहां पे मैंने उस पे चीज सॉस अच्छे से लगा लिया है। अभी हम इस पे थोड़ा चिली फ्लेक्स डाल देंगे जिसे ये देखने में भी बहुत ही बढ़िया लगेंगे। अभी हम जो पिज्जा सॉस था उसमें थोड़ा प्लेटिंग भी उसे कर लेंगे ताकि ये देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया पिज्जा नगेट्स तैयार हुए हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा, इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा।